देखिए जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि 36 वोल्ट के कूलर की मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। आप देख सकते हो ये मेरे पास एक 36 वोल्ट के कूलर का मोटर का स्टेटर है। इसमें पीवी सीट है जो ऑलरेडी लगाकर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं आपको वाइंडिंग के लिए डाटा बताता हूँ। तो देखिए, आपको 4 के कॉयल का सेट बनाना है। इसमें क्या है, कनेक्शन नहीं करने पड़ते हैं। ये मैंने 29 नंबर वायर से बनाया है। साथ में जो कॉयल की लंबाई है वो 38.5 इंच है और 120 टर्न किए हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग के लिए कॉयल्स बताता हूँ। तो देखिए, ये मैंने 33 नंबर वायर से बनाए हैं। साथ में जो कॉयल की लंबाई है वो 32.5 इंच है और 130 टन के हैं। दोस्तों, एल्युमिनियम और वायर दोनों का वाइंडिंग डाटा सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉयल का इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी रनिंग कॉयल्स को लेना है, जो कि हमने 29 नंबर वायर से बनाए थे। कॉयल को सीधे ही ले लीजिए, इस तरह से पकड़ कर बैक साइड से स्टेटर में डाल दीजिए। ठीक है, पहला कॉयल पिच होगा हमारा 1 से 5, और आपको एक बार राउंड घुमाना है। बीच में 3 स्लॉट छोड़िए, 1, 2, 3। ठीक है, चौथे वाले में डाल दीजिए। डालने के बाद ऊपर से आपको पीवी सीट लगा देना है। इस तरह का टुकड़ा फोल्ड कर स्लॉट के ऊपर लगा दीजिए। देखिए जी, मैंने दोनों तरफ से लगा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कॉयल डालना है। इस तरह से इसे पकड़िए और फोल्ड कर दीजिए, और कॉयल पिच 1 से 7 में आपको 2 राउंड लेने हैं। देखिए, ये हमारे 1 राउंड हो गया, इधर से डालने पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको डबल लेना है ये कॉयल। ठीक है, चलिए जी, मैं इसे डबल कर देता हूँ। ये हमारा डबल हो जाता है, और डबल करने के बाद अब आपको पीवी सीट लगाना है। इधर डाल दिया, अभी इधर की तरफ भी इसे डबल डाल दीजिए। देखिए जी, अब मैं आप पीवी सीट लगा दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कॉयल इतना खाली बच गया है। अब हमें कॉयल पिच 1 से 9 में भी 2 राउंड लेने हैं। ठीक है, यानी पहली बार 1 बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाना है। ठीक है, ये हमारे 1 बार डल गया है। अब आपको कॉयल को फुल फोल्ड कर देना है, जितना भी आपका कॉयल बचा है। फुल फोल्ड करने के बाद फिर से पीवी सीट लगाना है, और दोनों इस तरह तार भी आप लगा दीजिए। ठीक है जी, इस तरह से जो आप देख सकते हो हमारा जो पहला कॉयल डलकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से डला है। यह हमारा कनेक्शन साइड का वायर हो गया राइट हैंड साइड की तरफ। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो वायर है जो बाक कॉयल से अटैच है। अब हमें दूसरा कॉयल डालना है। दूसरा कॉयल को इस तरफ से पलटिए कि जो हमारा बाक कॉयल से अटैच वायर है वो राइट हैंड साइड की तरफ आए। तो देखिए जी, मैंने इधर साइड 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए हैं, और हमें बीच में फिर से 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। 1, 2, 3। ठीक है, इधर डालता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शंस। तो देखिए जी, इस तरह से कीजिए, आपको ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा बीच बीच में। ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ बच गया जो बाक कॉयल से अटैच है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस पहली वाली कॉयल के लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट हो गया। चलिए, अब बाकी कॉयल उसी तरह से डालना है। दोस्तों, कॉयल का जो कनेक्शन है आप सीधे ही कर लीजिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। बहुत ही आसान तरीका है, आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कॉयल का इंस्टॉलेशन इस तरह से करना है जिस तरह से हमने पहली वाली कॉयल का करना था। आपको कुछ चेंजिंग उसमें करनी है नहीं, बस थोड़ा सा कनेक्शन वायर में चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए जी, ये हमारा दूसरा कॉयल डल कंप्लीट हो जाता है। अब हम तीसरा कॉयल लेते हैं। तीसरा कॉयल को आपको डालना है इस तरह से। देखिए जी, 2 स्लॉट खाली छोड़ दीजिए, और देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड वाला वायर था, इस कॉयल का राइट हैंड साइड वाले से वायर कनेक्ट हो गया। 2 स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं हमने। अब कॉयल को फिर से उसी तरह से जल्दी से डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, साथ ही जो वीडियो है वो भी काफ़ी लंबा नहीं बने। ओके, तो चलिए जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए जी, आप देख सकते हो हमारा
तीनों आयल्स डल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें चौथा कॉइल डालना है इस तरह से कि जो हमारा चौथा कॉइल का कनेक्शन का वायर है वो राइट हैंड साइड की तरफ आए और हमारा लेफ्ट हैंड साइड पिछले वाले तीसरे वाले कॉइल से कनेक्ट हो जाए। आप यदि वायर को तोड़कर कनेक्शंस करते हैं तो मैं कॉइल इंस्टॉलेशन के लास्ट में आपको एक कनेक्शंस का डायग्राम दे दूंगा, उसमें देखकर भी कर सकते हो। देखिए हमारा राइट हैंड साइड हमारी पहली वाली कॉइल के राइट हैंड साइड की तरफ ही आया है तो हमारा कनेक्शन इसका मतलब सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट हो गया। दोनों तरफ दो दो स्लॉट खाली छोड़ने हैं, बाकी कॉइल को इसी तरह से डाल दीजिए। देख सकते हो आप जो हमारा चौथा वाला कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो हमारे रनिंग के चारों कॉइल्स इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो चुके हैं, कितने अच्छे से डले हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल बताऊंगा जो कि हमने 33 नंबर वायर से बनाए थे। देखिए जी यहाँ पर आपको चार स्लॉट बीच छोड़नी इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल डालना है। कॉइल पीछे 1 से 6 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा कॉइल पीछे 1 से 8 इस वाले स्लॉट में। दो बार घुमाना है और इस वाले स्लॉट में आएगा और पहले वाले बीच वाले स्लॉट में आएगा। कॉइल पीछे 1 से 10 उसमें हमें एक बार घुमाना है, यानी पहले बार एक बार घुमाना है, फिर दो बार घुमाना है कॉइल को, फिर एक बार घुमाना है और बीच में चलिए हम अब 33 नंबर वायर से जो हमने कॉइल बनाई थी उसको डालते हैं और बीच में हम 4 स्लॉट खाली छोड़ते हैं। दोस्तों कॉइल को डालने के बाद आपको उसमें पीवीसी शीट का टुकड़ा लगाना है काट कर। ये क्या है कि यह कंपलसरी है या तो आपको लगाना ही लगाना है। चलिए ये कॉइल मैं आपको धीरे से डालकर दिखाता हूँ ताकि आप समझने में आसानी रहे। पहली बार हमने एक बार डाल दिया, अब हम खाली वाले स्लॉट में डालते हैं। यहाँ पर आपको कॉइल पिच 1 से 8 में आपको दो बार डालना है। कॉइल पिच 1 से 6 में हमने एक बार डाला था, कॉइल पिच 1 से 8 में जिसमें अब डाल रहे हैं अभी इसमें आपको 1 से 8 वाली कॉइल पिच में दो बार कॉइल को घुमाना है। ठीक है जी, देखिए जी ये हमने कॉइल डालकर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हमें कॉइल पिच 1 से 10 लेना है, इसमें हमें एक बार ही घुमाना है। देखिए हमने इधर तरफ डाल दिया है और इधर तरफ डाल दिया है, बहुत ही आसानी डल जाए क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल बार आ रहा है। अभी डबल बार आए भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो स्लॉट हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बैक कॉइल्स कनेक्ट है। दूसरा कॉइल डालते हैं जी, इस तरह से उलट लीजिए इसे जिससे कि जो बैक कॉइल से अटैच वायर वो राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पहले वाली कॉइल लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट हो गया। बैक कॉइल्स कनेक्शन उसी तरह से करने हैं जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल के कनेक्शंस किए थे। चलिए जी कॉइल को मैं जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देता हूँ। इसे आप यहाँ से दबा लीजिए इस बीच वाले स्लॉट में जहाँ पे हमारा पहला वाला कॉइल का कॉइल पीछे 1 से 10 था जो सिंगल आया था। अब इसके ऊपर इस वाले कॉइल को डालना है, ये यहाँ से डबल होता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर तो नहीं आएगा पर इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले दूसरे कॉइल के तरफ यहाँ पे आ जाएगा डबल। ठीक है, ये हमारे दो कॉइल डल चुके हैं, अब हम तीसरा वाला कॉइल लेते हैं जी। इसे डालिए, कनेक्शन वायर बताता हूँ आपको। देखिए जी ये हमारा इस कॉइल का ये राइट हैंड साइड तीसरे वाले कॉइल के राइट हैंड साइड से कनेक्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बचा है जो हमारी कॉइल है उससे कनेक्ट है। इस कॉइल को मैं डाल देता हूँ। दोस्तों कॉइल्स को तो आप डाल ही लोगे, यदि आप कनेक्शन समझ नहीं आता है तो कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया सेम उसी तरह से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी मैं कनेक्शंस के लिए आपको बता दूंगा डाटा, यदि चेंजिंग लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से फ़र्क करेगा।
तो देखिए जी, हमारा तीसरा वाल कॉयल डलकर कंप्लीट हो जाता है। चौथा वाल कॉयल डालना है आपको, जो यहाँ पे डाला है इस वाले स्लॉट में, और चार स्लॉट बीच में छोड़ने हैं और इस वाले स्लॉट में आएगा। ठीक है, इस दिन मैं आपको डालकर दिखाता हूँ, शायद आपको समझने में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग का सेटअप कम हो गया है, अभी बढ़ जाएगा एक मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया, इधर तरफ फिर डाल दिया। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला वायर निकला है, ये और इसके लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट हो गया, और ये हमारे पहले कॉइल का कनेक्शन सही आया है। चलिए अब इस कॉइल को मैं डालकर जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए जी दोस्तों, ये हमारा कॉइल डलकर कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से हमारी सभी कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाते हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से डले हैं। अब मैं आपको कनेक्शंस का डायग्राम बताता हूँ। देखिए जी, यदि आपकी वीडियो के दिखाए गए अनुसार कनेक्शन समझ नहीं आए तो आप इस तरह से कनेक्शंस कर लीजिए, इसे समझने में आपको आसानी रहेगी। यदि इस पोजीशन में आपका फ़ैन उल्टा चलता है तो आपके दोनों को रनिंग वायर्स को चेंज कर देना है, आपस में बदल देना है। यदि वीडियो में दिखाए गए अनुसार कनेक्शंस और डायग्राम कनेक्शंस में आपको कुछ चेंज लगता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, या वीडियो दिखाए गए अनुसार या ऐसे, दोनों तरह से वर्क करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटर का सिलाई किस तरह से करना है। सिलाई से पहले रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को अलग अलग कर लीजिए, आप सेकेंड या प्राइमरी बोल सकते हो। इसके बाद आप इसे इस तरह का पीवीसी का सीट का टुकड़ा लेना है और रनिंग कॉइल्स और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद कॉइल्स को वापस से उसी वाली पोजीशन में ले आइए जिस तरह से पहले थी वो। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से अच्छे से लगाना है जो कि नीचे तक चला जाए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो मोटर है उसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं आता है। अब आपको इसे धागे से सीलना है दोस्तों, धागे से सीलना है इस तरह से, नहीं इस तरह से नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से सील सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर एक स्टेप फॉलो करो। अब ये तो आपके हॉबी होगा, आप जिस तरह से सिलाई करते हो सकते हो आप कॉटन टेप से करते हो, मोटे वाले धागे से करते हो, मैं अलग अलग धागे से कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सिलाई होकर कंप्लीट हो गया। चलिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। अब हम आते हैं बैक साइड की ओर, ये हमारे कनेक्शन वायर हो गए चार। ठीक है जी, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बीच में इस तरफ भी इस तरह से पीवी सीट लगा लेना है अच्छे से, जिससे कि जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए। अब आप देख सकते हो हमारे पास चार वायर हैं, चारों वायर्स पर सबसे पहले आपको सिली पाइप डाल लेना है जी। ये हमारे दो रन स्टार्टिंग हो गए, ये दो हमारे नीचे वाले रनिंग के हो गए। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड तरफ रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को लेना है दोनों को, और इन दोनों को एक कर दीजिए। देखिए ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है, ये हमारा एक वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा इधर तरफ हो गया। अब ये आपको रनिंग वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है। ठीक है, इसे राइट हैंड साइड तरफ लाइए और इसी कनेक्शंस को आप डबल कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं वापस ले जाकर परे की तरफ और ले जाता हूँ, या फिर आप एक वायर और जोड़कर इसमें इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर के वायर हैं वो सीधे ही निकल कर सामने आएंगे, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर हो गए दोनों। ठीक है, और इधर की साइड जो ये हमारे दोनों कैपेसिटर के वायर हो गए, जिस तरह से हमें कंपनी कनेक्शंस में देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई और लेफ्ट हैंड साइड कैपेसिटर हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। इनमें हम राइट हैंड साइड की तरफ जो वायर है इनमें हमें इस तरह से दो वायर्स को ज्वाइंट कर देना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हैवी वाले वायर से लेने हैं। अब आपको इधर देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको इस तरह से दो वायर लेने हैं, आप हल्के भी ले सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर से अटैच करने से ज्वाइंट कर लीजिए। ज्वाइंट करने के बाद आपको करना क्या है, चारों वायर्स पर सिली पाइप डालना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का तीन नंबर सिली पाइप लेना है और चारों जॉइंट्स के ऊपर इसे डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा जॉइंट है वो कभी वायर से अटैच नहीं करेगा, साथ में सेफ्टी बना रहेगा। अब हम वापस से मोटर का सिलाई करते हैं।
तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से कर देता हूँ, एक्चुअली इतना जल्दी हो नहीं पाता है, वो तो आपको पता है वीडियो में स्पीड बढ़ा दिया गया है। यदि आप इतना जल्दी कर पाते हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो देखिए जी, ये हमारा जो सिलाई का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया, धागे को अब हम कर देते हैं कट। ठीक है जी, ये लीजिए हमने यहाँ से धागा काट दिया, हमारे दो वायर निकल कर आए हैं। रेड वाले में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, येलो और ब्लू में आपको कैपेसिटर लगाना है। सीधा ही सिंपल सा स्टेप है। ठीक है जी, अब जो हमारा मोटर है वो इस तरह से वाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो मोटर है हमारा, देख सकते हो आप कितना अच्छे से रिवाइंड होकर कंप्लीट हुआ है। हमें ज़रूर बताएं कि मोटर वाइंडिंग आपको कैसा लगा। अब हम मोटर में वार्निश डालते हैं जी। ठीक है, देख सकते हो जी मैंने यहाँ से वार्निश डाल दिया है, और इसे हमें 3 घंटे धूप में सूखने के लिए रख देना है। आपको दोनों साइड से वार्निश डालना है। ठीक है, मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है जी, हमारा मोटर है जो सूख कर कम्प्लीट हो गया है और इसमें हार्डनेस भी आ गई है। ठीक है, अब हमें इसे कसना है, तो सबसे पहले मैं इसका बैक साइड का टप लगा देता हूँ। अब आपको यहाँ से रोटर लगाना है, अब आपको ऊपर वाला टप लगाना है। इसके बाद लगाने के बाद आपको मोटर को देखना है कि ये हमारा मोटर टाइट तो नहीं है। चलिए ठीक चल रहा है। इन दोनों होल्स को आपको सामने रखना है। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से घुमा कर देखना है। अब स्क्रूज को टाइट कर लीजिए। अब हम मोटर का टेस्टिंग करेंगे। इन दोनों हम कैपेसिटर लगा देते हैं। इसमें आपको 4 mFT का कैपेसिटर यूज़ करना है। ओके, हो गया। अब सीधे ही दोनों वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, रेड वालों में। ये बहुत ही सिंपल से स्टेप होते हैं। तो देखिए जी, जो मोटर हमारा चलने लगा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सेल्फ घर पर 36 वोल्ट के कूलर के मोटर को आसानी से रिवाइंड कर सकते हो। सभी डाटा आपको मैंने बता दिया है। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए। कोई बात आपके दिल और दिमाग में हो, आपके कुछ समझ नहीं आया हो, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं इस मोटर का आपको एम्पियर चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका एम्पियर होना चाहिए 0.3 एम्पियर। ओके, तो देख सकते हो आप ये 0.3 एम्पियर ही ले रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, और वीडियो हुआ एंड थैंक यू एंड गुड बाय।